वेलकम टू DSE's होम क्लासेस, अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। वेलकम टू लैंग्वेज लर्निंग बाय इमर्शन। स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहिंदर गोस्वामी एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, without which we will not able to write a single sentence, and it is makes a sentence meaningful. Students, the topic which we are going to discuss today is punctuation and its importance. Why punctuation is so much important while writing English language, and you know its importance very well, that without this the topic is incomplete. So let's discuss the punctuation. Punctuation, the word is derived from Latin word punctum, which means right use of putting in points or stops. Punctuation जो है एक Latin word punctum से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सही जगह पर points और stops को लगाना, क्योंकि इसके बिना अगर आप कोई सेंटेंस लिखोगे तो वो बहुत ही अलग दिखेगा। इसके लिए हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इम्पोर्टेंस पंचुएशन की कितनी होती है। तो देखिए, लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। द डॉग सेड द मास्टर गॉड्स आर हाउस, एंड द सेकंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज विदाउट पंचुएशन मार्क्स, एंड नाउ लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल। द डॉग सेड the master guards our house, but thus in the second example if you see the dog said the master guards our house. तो आप दोनों एग्जाम्पल को देखें, पहले एग्जाम्पल विदाउट पंचुएशन मार्क्स और सेकंड पंचुएशन। फर्स्ट वाली जो है उसमें डॉग कहता है, डॉग जो कहता है कि मास्टर गार्ड करता है उसको, सेकंड में मास्टर कहता है कि डॉग जो है घर को गार्ड करता है। तो सी द डिफरेंस पंचुएशन मार्क्स। नो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। What will be the definition? The right use of putting in points or stops in writing is called punctuation. इसका मतलब है कि सही जगह पर points और stops, सिर्फ points और stops ही नहीं, बल्कि हम different punctuation marks के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ, किस जगह और कब और कैसे use करने हैं। क्योंकि आप इन चीज़ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके बिना जब हम कोई कुछ लिखते हैं तो वो बहुत ही अलग और बहुत ही गलत दिखता है, और हमारे मार्क्स में भी प्रॉब्लम बनती है और इंग्लिश को सीखने में भी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस द डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स। व्हाट आर द डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो स्टार्टिंग विद द वन दैट इज कैपिटल लेटर्स, देन वी हैव अ फुल स्टॉप, वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, वी हैव एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी हैव अ कॉमा, वी हैव अ फर्स्ट स्टॉप, वी हैव डैश, वी हैव कोटेशन मार्क, वी हैव अंडरलाइनिंग, वी हैव पैरेंथिस, वी हैव अनदर वन कोलन, and then there is another one semicolon, and we have also hyphen, along with this we have ellipsis, and then the last but not the least is slash. So these are the different punctuation marks which we will discuss one by one and understand how these punctuation marks works in English language, and where to use and when to use the right punctuation mark. That matters a lot. And you know, while writing something, these marks matters a lot. Without these marks, you even not imagine that how a sentence will possible, and it looks different as we have seen in the initial example. जैसे कि हमने पहले example में देखा था dogs वाली में, कि punctuation marks और without punctuation marks totally a meaning is different. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स की। तो कैपिटल लेटर, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू स्टार्ट द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर। तो हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके नेम को सब स्टार्ट करते हैं, तो हम पंचुएशन मार्क्स का, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नेम्स, किसी भी इंसान का नाम हो, जैसे राम, मोहित, टॉमी, चाहे डॉग है, किसी का भी नाम हो, तो पहला लेटर हमने बड़ा लिखना है। प्लेसेस बटोर, पत्नीटॉप, तो उनका भी पहला लेटर बड़ा लिखना है। डेज ऑफ वीक, इनका भी जैसे मंडे ट्यूजडे पहला लेटर बड़ा लिखना है। डेज ऑफ मंथ, जनवरी फेबररी, तो इनका भी पहला लेटर बड़ा लिखना है। स्पेशल डेज, होली, ईद, इनका भी पहला नेम बड़ा लिखना है। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जब भी लिखनी है कहीं पे भी, तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी द
capital one. Now also understand one thing more important, that is see some few more examples incidents which definitely helps you. तो यहाँ पे देखें अगर आप कि हिंदू मुस्लिम इंडिया रशिया गीता बाइबल कुरान, तो जब हम बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिम एक रिलीजन है, तो जब भी किसी रिलीजन की बात होगी तो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए. जैसे नेशंस कंट्रीज़ इंडिया रशिया पाकिस्तान अमेरिका, तो इनका भी पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखना है. बुक्स गीता बाइबल कुरान पहला लेटर बड़ा लिखना है. फिल्म्स जैसे गोलमाल नो एंट्री, इनके पहले लेटर बड़े. टाइटल्स जैसे एक्सलेंट फादर मिरेकल्स, कोई भी बुक का टाइटल लिखना हो तो उसका पहला लेटर बड़ा. और बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको पहला लेटर उसका बड़ा ही होना चाहिए. नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कम टू द नोट, नो कैपिटल लेटर्स विद सीजन ऑफ ईयर. तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जब हम डेज ऑफ वीक्स मंथ्स के साथ हर किसी के साथ पहला लेटर बड़ा लिखते हैं, और जब हम बात करते हैं सीजन ऑफ द ईयर जैसे कि स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, तो इनका लेटर हमेशा छोटा लिखता है लिखा जाता है. लेकिन ये चीज़ याद रखनी है आपने, कभी टाइटल के आप में ये आ जाए तो तब उस टाइम पर आपको बड़ा लिखना है, अदरवाइज़ ये हमेशा आप छोटा ही लिखेंगे, कैपिटल्स में नहीं लिखेंगे. नाउ कम टू द अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ फुल स्टॉप. तो एज फार एज दिस वर्ड फुल स्टॉप इज़ कंसर्न, तो इट मीन्स यू हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम. तो पुट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज गोइंग टू मार्केट वेन आई मेट हिम यस्टरडे ही गेव मी अ बिग कार. तो जब भी कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव रूप में हो और वो आप उसको लिख रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसके एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है. और फुल स्टॉप का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना है. यू हैव टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ सम टाइम, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कामा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट द एवरी सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस. नाउ कम टू द अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, बट बिफोर डूइंग दैट कम टू द नोट. द फुल स्टॉप इज नॉट जनरली यूज इफ द एब्रीवेशन एंड्स विद द सेम लेटर एज द फुल वर्ड. देखो हमने ये पढ़ा था कि एब्रीवेशन के आगे भी फुल स्टॉप लगाया जाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपने कि फुल स्टॉप अक्सर ऐसी एब्रीवेशन के साथ नहीं लगाते हैं जिनका पहला लेटर और लास्ट लेटर जो है सेम हो. जैसे डॉक्टर में डी और आर, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई तो डी आर बना, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा. मिस्टर में एम आर है, फुल स्टॉप नहीं आएगा. लेकिन अगर हम बात करें बट इन केस ऑफ, जैसे कि हम यहाँ पे एक और फुल फॉर्म ले रहे हैं, एब्रीवेशंस ले रहे हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो आप देखेंगे इसमें मास्टर का एम और एजुकेशन का एन, लास्ट स्टार्टिंग वर्ड एम है और एंड वर्ड एन है. तो नॉट द सेम एज इन केस ऑफ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर में दोनों सेम थे, यहाँ सेम नहीं है. जब सेम नहीं होंगे तो तब आपको फुल स्टॉप लगाना है, अगर सेम हो तो फिर आप उस टाइम पे फुल स्टॉप जो है नहीं लगाएंगे. नाउ कम टू द अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क. तो यू नो क्वेश्चन मार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क. पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. जो भी सेंटेंस आपको लगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको ये लगाना ही लगाना है. और ये हमें पता कैसे चलेगा, वी विल एबल टू नो हाउ क्वेश्चन मार्क विल बी देयर एंड व्हाई इट इज शुड बी देयर. तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे लिखा है हमने व्हाई इज शी ड्राइविंग द कार, तो व्हाई इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, व्हेन इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, हुज इज़ अ क्वेश्चन वर्ड. तो व्हाई इज शी ड्राइविंग द कार, व्हेन आर दे कमिंग, हुज पेन इज दिस, जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ड. अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वाला बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है, ऊपर से उसमें क्वेश्चन वर्ड भी लगा हो, तो इट मींस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है लिखते वक्त कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिंपल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो अगर आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके सेंटेंस बना रहे हैं, तो एट दैट टाइम उसमें इंटरोगेटिव सेंस आ जाती है, जिसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है. नाउ कम टू अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो एक्सक्लेमेटरी आप इसके बारे में जानते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें अचानक से खुशी, अचानक से गम, अचानक से गुस्सा, अचानक से फीलिंग शो हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. जैसे पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क आफ्टर अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, विच शो स्ट्रांग फीलिंग, जिनमें स्ट्रांग फीलिंग आती है.
दैट समवन इज़ एंग्री, सरप्राइज्ड, फ्राइटेंड और हैप्पी। जब ये चीज़ आती है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो उस टाइम पे आपने इस मार्क यानी कि एस्टिमेटरी मार्क को यूज़ करना है। Now we will discuss some of the examples which clearly shows how the exclamatory marks are there. सबसे पहले हम बात करें how wonderful, what a beautiful sight. John, stop doing that. Get out. I don't want to see you. May God bless you. So you can see in all these sentences there are a strong feeling. Just like how wonderful, what a beautiful sight. John, stop doing that. Get out. I don't want to see you. तो जो underlined words हैं यहाँ पे exclamatory marks का use किया गया है, क्योंकि इन सभी sentences में you will see the strong feeling, whether it is of happiness or whether it is of surprise are there. Now come to the another topic, comma. तो as far as this comma word is concerned, तो I have also told you that full stop means to stay for a long time and comma means you have to stay here for short span of time. Use comma only where you feel a pause is needed. जहाँ आपको लगता हो कि pause की ज़रूरत है तो comma लगाना वहाँ ज़रूरी है। Simple सा इसका फंडा है। जैसे हम बात करते हैं yes I know him, तो यहाँ yes जब मैंने बोला तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रुकना है। No, he doesn't like me. Of course, he helps everybody, but he doesn't help me. So you can see the underlined words where I have stopped for some time while speaking, while writing. So that means while stopping or while pausing for some time, you need to put here comma. तो अब हम बात करते हैं कि कामा के और कुछ रूल्स की। तो नाउ कम टू द सेकंड रूल। व्हाट द सेकंड रूल सेज? सेकंड रूल सेज वी यूज कामा टू सेपरेट। व्हाट टू सेपरेट? टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ ए लिस्ट। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट, सपोज वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट एंड वी हैव टू सेपरेट ईच पार्ट। तो व्हाइल सेपरेटिंग ईच पार्ट वी नीड टू पुट कामा। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। I bought a pen, pencil, eraser and notebook for you yesterday. तो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, pen, pencil, eraser are different things. तीनों अलग चीज़ें हैं और हमने इनमें कामा यूज़ किया हुआ है और notebook. और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो लास्ट वाली आइटम होती है उससे पहले आपको काम एंड कामा नहीं एंड लगाना होता है। अगर जितनी मर्जी लिस्ट हो उसमें लास्ट जब चीज़ आ जाती है उससे पहले आपको एंड लगाना है। सेम केस विद द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ कम टू another rule of comma. तो we use comma with the question tags. तो question tags हो सकता है आपके लिए न्यू हो, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास 8th में भी पढ़े थे। question tag means short questions which usually asked at the end of the sentence. For example, he is going, isn't he? ये जो isn't he है, this is question mark. ये क्वेश्चन टैग है और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल हुआ है और ठीक इजंट ही के पीछे कामा का इस्तेमाल हुआ है जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो इट मीन जब भी आपको क्वेश्चन टैग पूछने हैं तो आपको या यूज़ करने हैं, ज़्यादातर ये स्पीकिंग में बोले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कामा लगाना है क्वेश्चन टैग से ठीक पहले। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन टैग्स की। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन टैग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। शी वाज ड्राइविंग द कार, वाजंट शी? ही प्लेस द गेम, डजंट ही? दे हैव हेल्प्ड मी, हैवंट दे? सिट डाउन, विल यू? तो आप देखेंगे ठीक क्वेश्चन टैग से पहले क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स सॉरी कामा का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन मार्क्स भी वहाँ पे हैं जब हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, तो लेकिन उनसे पहले ठीक आप ध्यान दें तो कामा का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझनी है अच्छे से। अब हम बात करेंगे अनदर टॉपिक, पंक्चुएशन मार्क जो है एपोस्ट्रॉफी। ये इसका इस्तेमाल पोजेशन, यूज एन एपोस्ट्रॉफी टू शो दैट समवन ओन समथिंग। इफ ओनली वन पर्सन ओन समथिंग तो यूजेस कामा पहले उसके बाद अस। अगर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी का, तो इसकी में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई चीज़ किसी इंसान के पोजीशन में है या उसकी है, तो उस केस में आप इसको एक छोटा सा ये कामा देख रहे हैं आप लगा हुआ और उसके साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिंगल इंसान की वो चीज़ है उस केस में, तो कुछ हम इसमें एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा हों तो तब हमें कैसा करना है इसको। तो लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। हाँ, तो आप यहाँ पे देखें, राम्स कार इज़ वेरी ओल्ड, स्नेहा स्पैन इज़ ब्लैक, राम्स हाउस इज़ वेरी बिग,
Neha's book is according to new pattern. तो now look at the Ram's car is very old. It means Ram की जो कार है, Ram's की कार means the car of Ram. Sneha's pen means the pen of Sneha. Shyam's house means house of Shyam. तो Neha's book means book of Neha. तो now look at another rule of apostrophe. पोजेशन इफ़ मोर देन वन पर्सन ओन समथिंग एड एपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस. हमने देखा अगर एक ही हो तो हम पहले लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम एस के बाद इसको लगाते हैं. और ये किस तरह से आप इसको पता चलेगा, तो लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. तो नो लुक एट दिस, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं. स्टूडेंट डैश बस विल नॉट कम टुमारो. तो जब हम बात करें बड़े सारे स्टूडेंट्स की, तो उस केस में आपको एस पहले लेना है और इसको बाद में लेना है. तो स्टूडेंट्स बस विल नॉट कम टुमारो, इट इज़ प्लुरल. एट दिस टाइम आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट होता तो हम पहले लेते हैं, बट एक से ज़्यादा हैं तो हम एस को पहले लेके इसको बाद में लेंगे. नॉट एज स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं लिखना वरना ये गलत हो जाएगा. इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह से है कि बॉयज. नाउ कम टू अनदर टॉपिक. अब हम बात करेंगे डैश की. रूल फर्स्ट, यूज़ अ डैश टू इंट्रोड्यूस अ कमेंट आर एन एक्सप्लेनेशन. हम डैश का इस्तेमाल करेंगे या तो किसी कमेंट को करने के लिए या कोई चीज़ की एक्सप्लेन करने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल, राम रीच्ड एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. अब देखें ठीक बीच में डैश का इस्तेमाल किया गया. माउंट एवरेस्ट तक सेंटेंस कंप्लीट है, बट हमें इसमें कुछ कमेंट, कुछ एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा देने के लिए हमने इसकी हाइट बताई हुई है जो कि हमने डैश से इंट्रोड्यूस की हुई है. तो इस केस ऐसे कोई भी आपको कोई एग्जांपल्स आती है तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे. नाउ कम टू अनदर वन रूल सेकेंड, डैश कहाँ पर इस्तेमाल और होती है. तो इफ़ अ सेंटेंस कंटिन्यूस आफ्टर अ कमेंट, मान लो अगर सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है कमेंट के बाद भी आगे फिर कंटिन्यू है और एक्सप्लेनेशन, तो टू डैशेज आर नीडेड. तो आप एक से ज़्यादा डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए, योर फादर अ ग्रेट डॉक्टर विजिटेड सीएम्स हाउस टू सी हिम. तो आप इसमें देखें हमने दो डैश का इस्तेमाल किया गया. हम इसके यहाँ कामा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप इसमें डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. योर फादर अ ग्रेट डॉक्टर विजिटेड सीएम्स हाउस टू सी हिम. तो हम दो डैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसे केस में. तो अब हम बात करते हैं अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, जिनको दो इन्वर्टेड कामा लिए होते हैं, इनको इन्वर्टेड कामास भी कहते हैं. तो ये डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर्स के, या फिर कहीं कभी हमने कोई एक्सट्रैक्ट किसी बुक से लिया हो तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है. पुट अ कोटेशन मार्क्स फॉर द एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बुक आर अ वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन. तो फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग टूडे. तो ये जो आई एम गोइंग टूडे कोटेशन मार्क्स में रखा है डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर. शी सेड शी रोट ब्यूटिफुल नॉवल यस्टरडे. तो ये जो इन्वर्टेड कामा है शी रोट ब्यूटिफुल नॉवल, तो ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर्स के. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स एंड दैट इज़ अंडरलाइनिंग. तो एज फार एज द वर्ड अंडरलाइनिंग इज कंसर्न, तो इट इज़ लाइक अ कोटेशन मार्क्स. सम पीपल प्रेफर कोटेशन मार्क्स इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग एंड सम यूज्ड अंडरलाइनिंग इंस्टेड ऑफ कोटेशन मार्क्स. तो सम पीपल प्रेफर टू अंडरलाइन और मेक द फॉन्ट इटैलिक टाइटल ऑफ बुक्स फिल्म प्लेस रेदर यूजिंग कोटेशन मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कुछ लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नेहा वेंट टू वॉच डैश मूवी 10 times, 3 idiots. तो ये अंडरलाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है. तो अंडरलाइनिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए भी. कुछ लोग इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क्स तो दे प्रेफर टू यूज़ अंडरलाइनिंग. तो इट इज़ नाउ डेज वेरी प्रेवलेंट वाइल राइटिंग. कंप्यूटर एक्सपर्ट्स यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स वाइल ड्राफ्टिंग समथिंग. तो लेट्स डिस्कस सम मोर examples, but before discussing that you need to understand the another punctuation marks, that is parenthesis. So parenthesis is also known as bracket. So it is same as we can say bracket. It is used for adding extra information. तो अब हम इस बात करते हैं parenthesis की. तो ये same bracket ही है, इनका दूसरा नाम समझ लो bracket है.
तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1944-1988, अगर हम जो ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द फर्स्ट वर्ल्ड टुक प्लेस मिलियन ऑफ लाइव्स, लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द ग्रेट इकॉनमिक डिप्रेशन 1929 वाज अ डिज़ास्टर, तो आप देखें जो ब्रैकेट्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ कोलन। तो कोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो कोलन, वाइल वी राइट समथिंग तो वी मेक यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलन। तो अ कोलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, तो जब हम किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो उस टाइम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉच्ड 4 मूवीज़, 3 इडियट्स, गोलमाल, इंडियंस एंड वेलकम। तो अनदर वन इज़ वी बॉट 3 थिंग्स, कार, बाइक एंड बस। नाउ वी विल डिस्कस अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट कम टू द सेकंड रूल ऑफ कोलन। समटाइम्स अ कोलन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ कमेंट आर एन एक्सप्लेनेशन इन द सेम वे एज अ डैश, जैसे हम डैश का इस्तेमाल करते थे कि कभी कोई कमेंट या एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए, तो इन द सिमिलर वे वी कैन आल्सो मेक यूज़ ऑफ कोलन। आई लाइक वर्क, इट फैसिनेट्स मी, तो आप देखें किस तरह से हमने कोलन का इस्तेमाल किया है, इस लॉन्ग सेंटेंस को ब्रेक किया है कोलन की मदद से। नाउ वी हैव अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज़ सेमी कोलन। तो एज फार एज सेमी कोलन इज वर्ड इज़ कंसर्न, तो सेमी कोलन इज़ यूज टू सेपरेट a long main sentence. If we want to break a long main sentence, then we can make use of semicolon. For example, love is like measles, we all have to go through it. So you can see the it is a very long sentence and we have break this sentence by using semicolon. The meaning is same, thus there is a continuity of sentence, but we have break the sentence. Every man wants to live long, but no man wants to be the old. Same case with these examples. Now we have another important punctuation marks, hyphen. Some words are always spelt with a hyphen. So you can see in English language there are thousands of words which have a hyphens and they are always spelt with a hyphen. For example, 21, co-education, self-importance, brother-in-law, nowadays. So you can see these words have a hyphens and there are thousands of words, not a single word. So these words are also come with a hyphen. Now come to another rule of hyphen, rule second. If a word is too long, suppose you are writing something and your word is too long to fit in the last and at the end line, so it can be divided by a hyphen. So you can divide that word with the help of hyphen. Write the hyphen at the end of the first line. So when you write something and it doesn't fit at that time in the last line, so you can divide the word from the hyphen, not the beginning of the next line. तो you need to understand, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और वो लास्ट लाइन में फिट नहीं हो रहा तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं हाइफन की मदद से। फॉर एग्जाम्पल वंस देर वॉज ए किंग, ही हैड अ बिग किंगडम टू रूल। आप देखेंगे इसमें हमने लास्ट किंगडम को डिवाइड किया है हाइफन की मदद से और हमने इसको नेक्स्ट लाइन में आगे आधा वर्ड लिखा हुआ है और ठीक नीचे नॉट एज, ऐसा कभी नहीं लिखना है कि वंस देयर वाज ए किंग ही हैड अ बिग किंगडम, तो आप ऊपर की बजाय नीचे डैश लगाएंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आपने किसी वर्ड को डिवाइड करना है तो उसको सिलेबल से डिवाइड करें बराबर। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, इलिप्सिस, दिस इज़ अ सेकंड लास्ट। तो व्हाट इज़ इलिप्सिस, अ सेट ऑफ 3 डॉट्स इंडिकेटिंग एन ओमिशंस, इट इज़ ओमिशन फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ वर्ड्स नीडेड टू कम्प्लीट द सेंस, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स लीविंग आउट द वर्ड्स रैदर देन रिपीटिंग दैम अननेसेसरली। तो इलिप्सिस का मतलब है किसी चीज़ को सेंटेंस से ओमिट कर देना, निकाल देना। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जब हम यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम इलिप्सिस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए शी वॉन्ट्स टू मीट हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, बट बिकॉज आवर इन लॉस, तो आप देखेंगे आगे 3 डॉट हमने इस्तेमाल किए हैं इलिप्सिस। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस का मीनिंग कंटिन्यू में आ रहा है वही आगे कंटिन्यू है, तो यू कैन यूज़ इलिप्सिस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेंटेंस। तो ए बी सी डी इट मीन्स अ कंटिन्यू कंटिन्यूटी, तो ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक स्लैश,
तो एज फार एज दिस स्लैश वर्ड इज़ कंसर्न, तो यू आर वेरी वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड वाई राइटिंग इन मैथमेटिक्स एंड इन अदर थिंग्स इट इज़ जस्ट लाइक आर, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओब्लिक, हम इसको एक और नाम से जानते हैं ओब्लिक के नाम से, और इट मीन्स आर, इसका मीनिंग होता है आर, जैसे हम बोलते हैं ये करिए या वो वाला, जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको आता है आर, तो सेम स्लैश मीन्स आर। तो ये कुछ एक यूज़ हैं कि स्लैश का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए वेबसाइट, आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें स्लैश आती है, इसी तरह से इंडिकेट फ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए, टू सेपरेट डे मंथ ईयर को सेपरेट करने के लिए, फ्रॉम सम एब्रीवेशंस को, तो व्हेन हिज आर हर क्लाइंट कम्स तो कॉल ऑन दिस, तो ये इस तरह से स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट अस ट्राई Try this example. He said, "I am going." तो अब हम इनको punctuation marks लगाएंगे। तो he said, one example is already made for you. तो he said, comma inverted comma, I am going. तो इस तरह से आप सभी examples को इनको try करें घर में, और कोशिश करें कि अपनी books जब भी आप कोई lesson पढ़ते हैं, you just read, if you read any lessons in anywhere, तो you must go through these kind of punctuation marks to understand fully the text. So there are few more example to solve you. So you can try this example at your home and find out which punctuation marks to use and where after going through the complete video and understanding each and every topic, so that you can make the correct use of punctuation marks, because punctuation marks matters a lot while writing, doesn't matter while speaking, but while you write something it matters a lot, and it definitely helps you to gain more marks. Now come to the homework. The homework is totally a different way. Read any lesson from your test book and find at least 10 sentences that contains more than 8 punctuation marks. तो आप कोई भी lesson अपनी किताब से पढ़ें, हर एक lesson में go through करें, जब भी आप इसको पढ़ें तो कोशिश करें कि आप punctuation marks ढूंढें, कौन सा punctuation marks कहाँ लगा हुआ है और इसकी क्या importance है, वो आपको इससे समझ में आ जाए। With this, we have completed this beautiful and very important topic, punctuation marks. So I would like to thanks for you for watching this. But you need to remember one thing, that you must read it once again, watch it once again, and go through your test book and see how the punctuation marks works. With this.